रिधि डोगरा और राकेश बापट के बीच बढ़ने लगी है नजदीकियां। क्या इनके बीच के रिश्ते की दूरियां खत्म होने लगी हैं या फिर ये सिर्फ फैंस के कयास है, क्या है पूरी बात, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, रिधि डोगरा और राकेश बापट दोनों ही एक साथ बर्थडे पार्टी में नजर आते हैं, जो कि बर्थडे पार्टी होती है रिधिमा पंडित की। जी हाँ, आपको बता दें कि रिधिमा पंडित राकेश बापट और रिधि डोगरा दोनों की ही एक अच्छी दोस्त है और उसी दौरान इनकी पार्टी के दौरान ही ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और इनकी कुछ फोटोज भी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती हैं। वेल, आपको बता दें कि रिधि डोगरा राकेश बापट की एक्स वाइफ हैं, जैसा कि आपको भी पता ही होगा। लेकिन इनसे दूरियों के बाद राकेश और शमिता शेट्टी मिलते हैं बिग बॉस ओटीटी के घर में और इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार भी करते हैं और शादी तक भी बात पहुंच जाती है। लेकिन बिग बॉस के घर के बाहर आने के कुछ दिनों बाद ही इनके ब्रेकअप की खबरें फिर से सुर्खियां बटोरने लगती हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऑफिशियली इनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि वाकई में ये लोग अलग हो चुके हैं, तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इनका ब्रेकअप हो चुका है। वेल, आपको बता दें कि रिधि डोगरा और राकेश बापट की बढ़ती नजदीकियों को देख शमिता शेट्टी और राकेश बापट के फैंस दोनों ही दुखी हैं और उनको डर है कहीं राकेश बापट और रिधि डोगरा के बीच नजदीकियां ज्यादा न बढ़ जाए। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे कमेंट सेशन में हमें जरूर बताइएगा और भी ऐसे ही कई अपडेट के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।